पंथ की पंथ की। श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के वलों स्थापित जड़ा साडा तत्त है, जे कोई ओदे वाल उंगल करके कोई मंदी शब्दावली वरतेगा तो उंगल भी कट देंगे ते जबान खिंच के बाहर कट देंगे। हर एक नौजवान नूं कहना है कि जिथे पंजाब चावे तेन घड़ीस के यदि गड्डी चो ला के लिया तो यह मूह काला करके वापस भेजना। जिहड़ा हरजीत गरेवाल है ये जी आर एस एस का जिन इशारिया सिख कौम मैं कहना सिख होने का कोई वो नहीं, इन्हें पगड़ी बनी आ बहुत कलंक है सिख कौम के उपर वड्डी गदारी वाली गल है, यू जी यदि सज़ा मिलनी चाहिए आ ते ए उस गल की माफ़ी मंगे। आज पंजाब दे हर एक नौजवान में बड़ा वड्डा रोस है। मैं शायद आपकी निंदा सुन लवा, तुसी सुन लोगे आपकी निंदा, किते ना किते कोई साडे परिवार खिलाफ भी कोई गल करे बंदा सुन लेंदा है, पर जिथे मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के वलों स्थापित जड़ा साडा तत्त है, जे कोई ओदे वाल उंगल करके कोई मंदी शब्दावली वरतेगा तो उंगल भी कट देंगे ते जबान खिंच के बाहर कट देंगे। ये लोगों नूं मूह का जलाब होया, आदत पई हुई है इन्हों। जे अज मैं हरजीत गरेवाल की गल करा, आ प्रेस के वीर खड़े है सारे, ओदी शब्दावली ओदी बोली ओदे बारे थोड़े नालों बेहतर कोई नहीं जानता। मंदी भाषा वरतदा, किसानों बारे भी जिहड़ा साडा अन्नदाता उहदा उहनां नूं भी नक्सल करके इन्हें संबोधित किया, वेलर क्या उहनां नूं ते किसे ने कोई गल नहीं की थी, ते अज इत्थों तक नौबत आ पहुंची कि इहदी जरूरत हुई, इन्हें हिम्मत की साडे सर्वोच्च स्थान जिहदे जाके अगे हर सिख का मत्था झुकदा है, नतमस्तक होकर आशीर्वाद लैंदा है श्री अकाल तख्त साहब बारे टिप्पणी करन दी। इन्हें ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बारे भी गल नहीं है, व्यक्ति विशेष की गल नहीं है, गल यह है कि वह कौम के जथेदार है, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार है जिदे बारे इन्हें टिप्पणी की, कोई भी सिख यह बर्दाश्त नहीं करूगा। सिंह साहब ने श्रोमणी कमेटी ने 100 साले ते जिक्र किया, अज उही गल तुहाडे सारयां नूं तुहानूं लागू करनी पैणी है कि सिख कौम गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा सी, सिखो शेर बिरती धारण करो, कुत्ता बिरती धारण ना करो। फर्क की है, जे कोई कुत्ते दे डांग मारदा कुत्ता डांग नूं फड़दा, तो बंदे वल ध्यान नहीं जिहड़ा वो बंदा बोल रहा जिहड़ा मार रहा है। शेर नूं कोई अटैक करूगा कोई मारूगा वो बंदे नूं पऊगा, वो डांग नूं या जिहड़ी गोली है उहदे वल ध्यान नहीं उहदा। ते हरजीत सिंह गरेवाल सिंह तां है नहीं गर, ते बहरूपिया सिख है, कोई पग बन के कल्ली सिख नहीं हो जांदा। ते हरजीत गरेवाल ते इहदे पिछे जिहड़े इहनूं बुलाउण वाले है, जिवें कह दिंदे आ ना तू नहीं बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा, जिहड़े इहदे यार है पिछे बैठे दिल्ली ते नागपुर च,
यह मानसिकता दर्शाती है उन्होंने। अज श्री अकाल तख्त साहब बारे गल की है तो पंजाब च मैं अच्छ यूथ अकाली दल के हर एक नौजवान कहना थोड़ा जा पिछे हो हर एक नौजवान कहना कि जिथे पंजाब आवे तेन घड़ीस के यदि गड्डी चो ला के लिया तो यह मूह काला करके वापस भेजना। इस भुलेखे च ना रहे कि चार पांच गनमैन लैके कितने मगर जिप्सी लैके या हुण केंद्र तो होर चार ले लूगा ये जिन्हें मर्जी ले फिर जिथे तू टक्कर गया तू क्या लावांगे तेनू ते जुत्ती फेरांगे टका के कि कोई जुत ना करे श्री अकाल तख्त साहब वालों उंगल करके गल करन दी। मेरे तो पहला बुलारिया ने भी यह गल की है कि अकाल तख्त साहब वाल जिहड़ी उंगल उठूगी वो उंगल तोड़ देंगे। बहुत ही मंदभागी गल है जी साढ़े बहुत ही अकाल तख्त साढ़े सिख कौम की शान साढ़े सरबुच बहुत ही महान अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बारे साढ़े हरजीत सिंह गरेवाल मैं सिंह तो लाना चंगा नहीं समझता सरदार तो सिंह मैं तो हरजीत ही कहूँगा। इन्होंने जी जथेदार साहब बारे बहुत भद्दी शब्दावली वरती आ जोड़ा ने देखे उन्होंने मानसिक संतुलन है मैं जितों तक महसूस कर रहा भी वो तो एडे साढ़े सत्कारयोग जथेदार साहब जिन्हों बहुत ज़्यादा ज्ञान जेड़े बहुत उच्ची पदवी पर बैठे ने जथेदार सरदार जथेदार हरप्रीत सिंह जी तो जेड़े हरजीत सिंह गरेवाल हैं उन्होंने सामने बहुत बौने हैं तो इन्हों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका इन्हों अपना इलाज करवाना चाहिए जोड़ा उन्होंने इन्हों बारे भद्दी शब्दावली वरती सी संबंध के अज जोड़ा यूथ अकाली दल वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है जोड़ा भी गरेवाल अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगण अपनी करी तो शर्मिंदगी महसूस कर जी उन्होंने भद्दी शब्दावली अगे तो यही जी कोई भद्दी शब्दावली ज कोई यही गल ना करें सिख कौम जी आता जो दूजिया वास्ते कुर्बानियां दे सकती है तो असी अपनी जी कौम है वो पिछे की कुछ कर सकते हैं। जोड़ा हरजीत गरेवाल है ये जी आर एस एस का दिन इशारिया से सिख कौम मैं कहना सिख होने का कोई वो नहीं इन्हें पगड़ी बनी आ बहुत कलंक है सिख कौम के उपर वड्डी गदारी वाली गल है यू जी यदि सज़ा मिलनी चाहिए है तो ये उस गल की माफ़ी मंगे वो वजो साढ़े बहुत ही माण से सत्कारयोग यूथ अकाली दल के प्रधान सरदार परमंत सिंह मंटी रवाणा जी और उन्होंने समुची टीम तो साढ़े यूथ अकाली दल के आगू साहबान वड्डी गिणती दे विच इत्थे आए ने भी जिहड़ा उसके खिलाफ जिहड़ा रोज प्रदर्शन करन वाला जिहड़ा बंदा आर एस एस के इशारियां ते उहनूं तां कुछ दिखदा ही नहीं ये दूजिया की गल करदा उहनूं आप नहीं दिखता जिहड़े जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने जे तुसीं उहनां दा प्रॉपरली संदेश सुनो वो सारी सिख कौम वास्ते आ सिख कौम के जिहड़े उहनां ने इतिहास के पन्ने फरोले ने मैं महसूस कर रहा हर एक सिख का वो भाषण सुन के रोम रोम खड़ा हो जाता है क्योंकि साडा तां जिहड़ा सिखां दा इतिहास एडा कुर्बानियां भरिया जो असीं उस इतिहास के पन्ने फरोलदे आ असी उस दे विचो जड़ा दिते गुरु महाराज के मार्ग के उपर धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह जी दे उन्होंने जेड़े दिते मार्ग से दरसाए बोलों के उपर ज्ञानी जथेदार साहब ने साडे उन्होंने उही गल कही सी भी शेर बिरती अपनाओ कुत्ता बिरती छड्डो क्योंकि जिहड़ी शेर बिरती है हर एक सिख वास्ते आ इह कुत्ता बिरती दीआं गल्लां करदे ने उन्होंने जिहड़ा जे मैं मीडिया के जरिए कहूँगा हर एक सिख वो जिहड़ा भाषण साढ़े बहुत ही माण ते सत्कारयोग ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने दिता है हर एक सिख नूं उन्हां दा भाषण सुन के माण महसूस हुंदा है ये बोनियां गल्लां करदा है बोना इहदा कद्दा है उहदे च किसी भी कोई बंदा भाषण सुने किसी तरह की कोई अकाली दल की जां बादल परिवार की गल नहीं हुई वो हर एक सिख वास्ते संदेश है उहनूं सानूं सिर मत्थे मनना चाहिए जिहड़ा साडा अकाल तख्त साहिब ये सिख कौम की शान है वह दिता हुक्म साढ़े वास्ते अटल है इहनूं पता नहीं क्यों आ रहा
आरएसएस के इशारे ते होर ही गल्लां करी जांदा है। जे तुसी भी मैं कहना मीटिंग के जरिए कहना भी तुसी ओ जिहड़ा भाषण आ सुनोगे तो हर एक सिख नूं अपने सिख होण ते फकर महसूस होएगा वह भाषण सुन के। तो बाकी जिहड़े धर्मां दे लोक ने उहनां दे खून खौफ उठदा भी जिहड़ा सिख इतिहास आ साडा यह कुरबानियां भरिया इतिहास है। किसी ते जुल्म हुंदा नहीं देख सकते, किसी ते जुल्म करते नहीं। जिहड़ी साडे सिख इतिहास की जिहड़ी मेन जिहड़ी गल है, क्योंकि जिहड़ा ज्ञानी सरप्रीत सिंह जी ने संदेश विच सानू सिख कौम होण ते फकर महसूस ते माण महसूस होया। कोरोना के इस दौर में जहां अपने बिजनेस के ऐड के साधन कम हो गए हैं, वहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए न्यूज 89 पंजाब आपके लिए लाया है सोशल मीडिया पर सबसे कम कीमत पर ऐड। जी हां, आज ही न्यूज 89 पंजाब न्यूज चैनल पर सिर्फ 2500 रुपए महीने पर अपनी ऐड बुक करवाए और अपने बिजनेस को बढ़ाए। आज ही संपर्क करें 9317500009 या 8115000006 पर। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा जी दे नाल जुड़न लई 9901079000 नंबर ते मिस कॉल करो जा एना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा ते फॉलो करो।